आजादी की रोशनी देने वाले शहीद भगत सिंह के म्यूजियम में पिछले 2 सप्ताह से बिजली गुल होने के कारण पूरे म्यूजियम में काला अंधेरा छा गया है और यहां आने वाले पर्यटक म्यूजियम देखे बिना निराश लौट रहे हैं। जिला नवांशहर के गांव खटखट कलां में शहीद भगत सिंह की याद में 16 करोड़ की लागत से बने म्यूजियम को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 23 मार्च 2018 को जनता को समर्पित किया था। शहीद भगत सिंह के स्मारक को देखने के लिए देश विदेश से लोग रोजाना भारी गिनती में यहां पहुंचकर शहीद को श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। लेकिन अब 13 जनवरी 2020 से इस स्मारक में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक धमाका होने से पूरी स्मारक की लाइट गुल हो गई। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वहां की बिजली चालू नहीं हो सकी और इस स्मारक पर खराब हुए ट्रांसफार्मर को जिला प्रशासनिक अधिकारी भी ठीक नहीं करवा रहे। गौरतलब है कि 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के दिन पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना यहाँ इस स्मारक पर नमन होने पहुंची थी। उनके ध्यान में भी यह बात लाई गई। मंत्री साहिबा ने डिप्टी कमिश्नर और SSP को इसे ठीक करवाने के निर्देश भी दिए, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। आप भी देखे हैं खास रिपोर्ट। 26 तरीक देखे थे, बहुत बंदे दिल्ली तो लुधियाने तो सारे इतों आए आ, लेकिन उन्हों की जो आशा सी वो पूरी नहीं हुई। वो चाहते थे भी असं अंदरों म्यूजियम सारा देख के जाइए, पर बिजली ना होने के कारण वो ऐसे तरह मुड़ के गए। दिल्ली तो कितना टाइम लगता उन्होंने, हल्ले पेट्रोल भी फूकिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन बाकी मेलियां आ के बड़े बड़े लीडर आ के भाषण देंगे, जो इस मौके पर नहीं वह कोई केयर करता, ये एक समझ लो भी बहुत भारी मंदभागी गल। चाहिए बिल्कुल चाहिए, हालांकि साढ़े पिंड अपने प्लांट लगा है सोलर प्लांट, लेकिन वो वास्ते तो इन्हों फ्री चाहिए है, लगा भी तो इन्होंने नौ तो ही है ना, सिर्फ अपना मेलिया के आगे भाषण दे जाते हैं, बड़ी गल् करते हैं, बाद कोई पूरा साल को पुछता नहीं है। इस तरह है कि टैक्नीकल फॉल्ट है, टैक्नीकल फॉल्ट नू ठीक करने लई हर संभव यतन किए जा रहे हैं, कि जिन्हें उदा एजेंसी ने काम किया हुंदा है अमूमन तौर पर उही कंपनी जिहड़ा हैगा फॉल्ट ठीक करती है। सो इहदे वास्ते ऑलरेडी जिहड़ा हैगा असीं कॉग्निजेंस लैके तो कोशिश की कि असीं आप कुछ उन्हों कर लीए, पर लेकिन क्योंकि जरा टैक्नीकल होने करके असीं उन्हों फिर ज़्यादा छेड़ा छेड़ी नहीं कर सकते सीगे। सो मामला जिहड़ा हैगा वो कल्चर जिहड़ा डिपार्टमेंट हैगा उन्होंने असीं टेकआउट किया होया, मैं उन्होंने बल्कि एक लैटर भी लिखी है और मैं उम्मीद है कि आने वाले टाइम के जो मैं अज दसया गया है कि जो पार्ट हैगा वो अवेलेबल जरा है वो जल्दी करवाया जा रहा है। सो मेरे ख्याल है इस समस्या का हल जल्दी हो जाएगा। नहीं वो जनरेटर या उदा की गल नहीं है, इट इज़ ए कॉम्पोनेंट जो अंदर जिन्होंने कहते हैं एक इलैक्ट्रॉनिक्स का हों, वो पार्ट का नुकस होने करके जनरेटर या कोई चीज़ उन्होंने की करेगी, क्योंकि बिजली तो उत्ते हैगी है, पार्ट दे खराब होने कारण कोई जेकर उन्हों पुश करन दी कोशिश करांगे वो थोड़ा हो पाएगा। सो उस पार्ट नू रिप्लेस करना पेगा, हुण उन्हों इन डायरेक्ट लगाना या कुछ इदा कर लेना जिन्हें सारा कुछ खराब हो जाए फिर मुश्किल हो जाती है। सो असी हर पक्षों ध्यान रख रहे हैं और मेरी कोशिश है जल्दी ठीक हो जाएगा।